हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा कोड हिंस केरल में ऐसे चुरवा गांव जहां 350 से ज्यादा चुरवा हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए जानते हैं कोड हिल के केरल से चुरवा गाँव के बारे में। केरल के मणिपुरम में स्थित कोडहिनी गाँव चुरवों का गाँव कहा जाता है। यहाँ पर वर्तमान में करीबन 350 चुरवा रहते हैं जिनके नवजात शिशु से पहले 65 साल की पुचुर तक शामिल है। दिवस स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 चुरवा पैदा होते हैं। एशिया में तो यह औसत 4 से भी कम है, लेकिन कोडियन में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे चुरवा पैदा होते हैं। हालांकि यह औसत पूरे विश्व में दूसरा नंबर पर है, लेकिन एक एशिया में पहले नंबर पर आता है। इसमें में पहला नंबर अल्जीरिया के इंबो और के प्राप्त है, जहां पर यह औसत 145 है। कोडहिनी गांव में यह मुस्लिम बहुत गांव है, इसकी आबादी करीबन 2-4। इस गांव में घर स्कूल बाजार हर जगह हम सकल नजर आते हैं। इस गांव में 2008 में 300 बच्चों 115 चुरवा बच्चों जन्मे थे, जो कि अब तक इस साल में जन्म के सबसे अधिक जुड़वा बच्चे हैं। इस गांव में 2 से 3 बच्चों का एक साथ पैदा होने लगे हैं। ऐसे 3 फेज विगत 3 सालों में हो चुके हैं, विश्व स्तर पर हो चुके। इसी सबूत के चलते कोडहिनी विस्तार पर प्रसिद्ध हो चुके हैं। विश्व के अधिकतर बड़े मीडिया हाउस में यहां पर स्टोरी को कवर कर चुके हैं। विदेशों में यह कई वैज्ञानिक सच समय पर यहाँ शोध करने आते हैं। हर सरकार ने इस स्थानीय डॉक्टर किशन से बुजुर्ग इसके अध्ययन के लिए नियुक्त कर रखा है। लगभग 70 साल पहले हुई थी शुरुआत। इस गांव में रहने वाले जुड़वा जोड़ी को सबसे उम्र दराज 65 साल से अब्दुल हमीद और इसके जुड़वा बहन कुदही कदिया ऐसी माना जाता है कि इस गांव में भी जुड़वा बच्चों को पैदा होते शुरू हुए हैं। शुरू में तो सालों कई इक्का दुक्का जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन इसके बाद इनमें तेजी से बढ़ोतरी आई। अब तक बहुत ज्यादा रफ्तार में जुड़वा बच्चे पैदा होने लगे। इसका अंदाजा आपसे लगाया जा सकता है कि कुल जुड़वा के पहले पिछले साल 10 सालों में पैदा हुए थे। इस गांव में इतने ज्यादा जुड़वा बच्चा पैदा होने के कारण होती है परेशानी। इस गांव में इतने ज्यादा जुड़वा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, खासकर स्कूल में जहाँ शिक्षकों को बच्चों को भेद या पाना मुक्ति हो सकता है। इसके सबसे बड़ी क्लास में दूसरी समस्या सबसे बड़ी आती यह है कि नव विवाहित जोड़ी, जिसमें कुछ लोगों तक का ये ही समझ में नहीं आता कि उसका जीवन साथी कौन सा हो। एक और विशेष बात यह है कि यदि इस जुड़वा बच्चों को कोई भी एक बीमार होता है तो दूसरा भी अवश्य बीमार होता है। इस एक बच्चे के बीमार डॉक्टर दोनों बच्चों का दवाई देने की करते हैं और दोनों का इलाज करते हैं। इस बात का कारण आज तक है अनजान। इस जगह इतने अधिक जुड़वा पैदा होने के कारण क्या है, इसका आज भी कोई वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। पहले डॉक्टर ने यह तर्क दिया था कि यह सब खान पीन के कारण होते हैं, लेकिन इस इलाके में खान पीन केरल के अन्य इलाकों से समान है, इसलिए इस तर्क को गलत मान दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अभी तक इसका कोई दूसरा कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। केरल कोडिया में भी ऐसी अन्य जगह है जहाँ चुरवा का भरमार है। संसार में ऐसी कई जगह भी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। नमस्कार।